हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की कैमरामैन जल्दी फोकस करो रील वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। कुछ इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की आज की इस एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। बताता हूँ मैं आपको कि आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले भाई अगर आप इंडिया से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर कैपकट नहीं चलता, तो उसके लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास सुपर वीपीएन है, यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कैपकट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद फोटोज में जाकर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे ऐड पे क्लिक कर देना है। ओके, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका फ्रेम रेट सिलेक्ट करना है। अपने यहाँ पर नीचे रेशो पे क्लिक कर देना है, 9:16 पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी फोटो पे क्लिक कर देना है। एंड कुछ इस टाइप से अपनी टू फिंगर को जूम करके कुछ इस टाइप से टू फिंगर की मदद से एंड इसको अपने फ्रेम के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में आना है। एंड यहाँ पर आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट एडिट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है। एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने इम्पोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपनी फोटो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसको जो कि आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने नीचे म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, बीट्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बीट है जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बीट है, ठीक है। वो कौन सा बीट है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप, ठीक है, इसके अंदर आगे यहाँ पर आपको एक बीट ऐड करना है। यहाँ पर ऐड बीट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बीट्स स्टार्ट में ऐड करने हैं, मतलब कि हमारी वीडियो के अंदर थोड़ी सी फ्लैशेज होती हैं, तो हम फ्लैश इफेक्ट भी ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पर भी एक बीट ऐड कर देना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर एक बीट यहाँ पर भी ऐड कर देना है, एक बीट आपको यहाँ पर भी ऐड कर देना है, एंड एक बीट आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट वाले बीट के ऊपर चले जाना है, कुछ इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटो पे क्लिक कर देना है, नीचे स्प्लिट पे क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको स्प्लिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है, यहाँ से मैं बैक आता हूँ। एंड यहाँ पर आपको कौन से इफेक्ट्स ऐड करने हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर है हॉरिजेंटल, एंड यहाँ पर आपको एक हॉरिजेंटल मिलता है, ठीक है, डायमंड जूम मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको नीचे एक हेलो ब्लर भी मिलता है, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो अच्छा लगता है वो यहाँ पर जो क्या वो सबसे ज़्यादा डायमंड जूम अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, एडजस्ट पर क्लिक कर दूंगा। एंड इसको इसके साइज़ को यहाँ पर जस्ट मैं इसको 100 कर दूंगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ को यहाँ पर मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है, ऊपर भी आपको डन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद इसकी आपने टाइम ड्यूरेशन कितनी रखनी है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका मतलब कि फर्स्ट फोटो है, मतलब कि यहाँ पर हमने स्प्लिट लगाया था, तो इससे आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है, ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इतना आपने थोड़ा सा पीछे रखना है। एंड उसके बाद आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपने बैक आ जाना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर फ्लैशेज ऐड करनी है, जो कि हमने 4 बीट्स और ऐड किए थे स्टार्ट के अंदर, ये वाले बीट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो फर्स्ट बीट है ना, यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको नीचे ओवरले पे क्लिक कर देना है, ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको स्टॉक वीडियोस पे क्लिक कर देना है ऊपर की तरफ से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद अपनी टू फिंगर की मदद से कुछ इस टाइप से इसको अपनी फुल स्क्रीन पे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसकी टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर लेना है, कुछ इस टाइप से कम कर देना है अपने फर्स्ट बीट के नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ब्लेंड पे क्लिक कर देना है। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ओवरले पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको कौन सी एनिमेशन ऐड करनी है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनके अंदर आपको यहाँ पर ऐड करनी है जी फेड इन वाली एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन आपने ऐड कर देनी है। एंड यहाँ पर आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करना है, एंड इसकी कॉपीज लेके अपने और बीट्स के नीचे भी यहाँ पर आपको लगा देनी है। ये फ्लैश इफेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो 90% एडिट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा लास्ट काम रहता है वो कौन सा है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको क्या करना है, अपनी फोटो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको एक एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। इनके अंदर आपको एनिमेशन मिलेगी, यहाँ से आपको स्लाइड करना है। तो यहाँ पर आपको कौन सी एनिमेशन ऐड करनी है, उसका नाम है रॉक वर्टिकल, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपने जो क्या इसकी ड्यूरेशन को 1 सेकंड तक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी लास्ट चीज़ रहती है, ठीक है, वो कौन सी है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो क्या वो फिल्टर पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको जो क्या वो इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मतलब कि इसके अंदर कोई भी आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक ऐड कर देता हूँ ऑरेंज ब्लू वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर इसकी सेचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो क्या आपको यहाँ पर मैं नीचे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फोटो पहले कुछ इस टाइप से थी, एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है, एंड इसका यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शॉट नहीं। इसको आपने सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए ऊपर रेजोल्यूशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, 1080p पर क्लिक कर देना है इसको आपने, एंड यहाँ पर आपने कोड रेट को भी हाई कर देना है। ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।